हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों, बजा लेते एक बहुत सुंदर सा पैच। अभी लास्ट गाने में मैंने आपको बजा के दिखाया था, वो पैच बहुत ही सिंपल है। और सुनो गौर से दुनिया वालों, आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस पैच की एडिटिंग मुझे चाहिए, तो दोस्तों उसी पैच की मैं एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो आइए दोस्तों, फटाफट से हम उस पैच की एडिटिंग देख लेते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसकी एडिटिंग कैसे। दोस्तों, आप सबसे पहले डिले वगैरह को अभी भूल जाइए, वो मैं बताऊँगा आपको बीच में या लास्ट में, तो वीडियो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से क्या क्या लगाया है। पहले आप सेम वो चीज़ लगाइए, उसके बाद मैं डिले भी इसमें बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट लेयर में मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है 1207। ढोलक का जो है वो चाटी की आवाज़ ये कर रहा है, और इसका लेवल मैंने 56 किया हुआ है। और बाकी मैंने फाइन ट्यून वगैरह कुछ भी इसकी छेड़ी नहीं है, वो सारा प्रीसेट है जैसा आता है। अब सेकंड लेयर में देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड लेयर फर्स्ट कॉलम की ऑफ है, थर्ड लेयर फर्स्ट कॉलम की ऑफ है। तो आइए, यहाँ पे हम सेकंड कॉलम में आ चुके हैं, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो है ए फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट लेयर में लगाया हुआ है 1207, वही ढोलक की चाटी, और 56 इसका मैंने जो है वो वॉल्यूम रखा है। बाकी कुछ भी मैंने छेड़ा नहीं है, क्रॉस ट्यून वगैरह सब हमारा जैसे का तैसा ही है जैसा आता है। और सेकंड कॉलम में मैंने देखिए डिले लगा रखी है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट है 0926, कॉन्गो है, ओपन कॉन्गो लिखा हुआ है, और 31 इसका मैंने लेवल किया हुआ है। इसमें जो है क्रॉस ट्यून वो +13 है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, सब में रिपीट ऑफ रहती है, यहाँ रिपीट स्विच ऑन है, यानी कि डिले अगर जहाँ जहाँ हमें लगानी है पूरे पैड में, वहाँ वहाँ उस इंस्ट्रूमेंट का हमें रिपीट स्विच ऑन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सिंपल सा है, जहाँ जहाँ मैं आपको डिले बताऊँगा वहाँ वहाँ आपको रिपीट स्विच को ऑन करके रखना है। यहाँ थर्ड कॉलम जो है थर्ड लेयर में हमारा ऑफ है, तो आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम के फर्स्ट लेयर में दोस्तों मैंने सिंपल सा लगाया हुआ है 0533 टॉम 6 के नाम से है, और 56 इसका जो है वो मैंने ट्रिक वॉल्यूम रखा है, +8 इसका क्रॉस ट्यून रहने वाला है। और यहाँ पे थर्ड कॉलम सेकेंड और थर्ड लेयर बिल्कुल मैंने ऑफ करी हुई है, तो आप भी इसको ऑफ रखिए। और आइए फोर्थ कॉलम में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। फोर्थ कॉलम में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ कॉलम फर्स्ट लेयर में मैंने क्लोज हाई 813 लगाई हुई है, 0866 इसका नंबर है, और ट्रिक वॉल्यूम है इसकी 40, और यहाँ +5 इसकी क्रॉस ट्यून करी हुई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, +5 क्रॉस ट्यून, और यहाँ पे ट्रिक वॉल्यूम 40, और यहाँ पे हमारा जो है 0866 इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैंने रिपीट स्विच ऑफ करा हुआ है। सेकंड लेयर में आते हैं दोस्तों, सेकंड लेयर में मैंने ये तबले का जो है वो बायां लगाया हुआ है, CL करके नाम है, 1146 फोर्थ कॉलम सेकंड लेयर 1146, और 63 इसका जो है वो ट्रैक वॉल्यूम है। और यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हैं, बाकी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, सब चीज़ जैसा हमारा पहले रहता है पैच में वैसा ही है। तो यहाँ थर्ड कॉलम में दोस्तों देख लेते हैं क्या मैंने लगाया है। दोस्तों, थर्ड लेयर यानी फोर्थ कॉलम की थर्ड लेयर मैंने ऑफ करी हुई है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग फिफ्थ पैड, और जो फर्स्ट लेयर है वहाँ पे 0964 बोंगो 003 नाम से इंस्ट्रूमेंट है 0964 पे, और लेवल जो है इसका 63 है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका क्रॉस ट्यून वो +1 है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड लेयर बात कर लेते हैं। यहाँ सिंपल सा है दोस्तों, कबासा इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है 0939, और 56 इसका जो है वो ट्रिक वॉल्यूम है। बाकी सब चीज़ यहाँ पे हमारा वही जो रहता है रिपीट वगैरह सब ऑफ है, और क्रॉस ट्यून मैंने यहाँ पे +4 करी हुई है। तो आइए दोस्तों इसी के हम लोग थर्ड कॉलम में बात कर लेते हैं। थर्ड लेयर में मैंने क्या लगाया दोस्तों, थर्ड लेयर इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ है, देखिए यहाँ पर।
तो आइए यहाँ पे हम लोग सिक्स कॉलम पे देखते हैं। सिक्स कॉलम के फर्स्ट पार्ट में, सिक्स कॉलम फर्स्ट पार्ट यानी सिक्स पैड फर्स्ट लेयर में हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड SN3 लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, जिसका लेवल 61 है और इंस्ट्रूमेंट का नंबर है 0165। देखिए ये स्नेयर लगी हुई है 0165 की और 61 इसका जो है लेवल है। और यहाँ पे क्रॉस ट्यून वगैरह दोस्तों जीरो किया हुआ है और यहाँ रिपीट वगैरह भी हमारा जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सेकंड लेयर में मैंने क्या लगाया हुआ है। सेकंड कॉलम में यहाँ पे डिले लगी है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेकंड लेयर में सिक्स कॉलम इंस्ट्रूमेंट है 0926, ओपन कोंगा के नाम से है ये। 46 इसका जो है वॉल्यूम है और दोस्तों प्लस 10 मैंने इसका क्रॉस ट्यून किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए रिपीट स्विच ऑन हो रखा है, यहाँ पे रिपीट स्विच ऑन है तो यहाँ पे तभी ये हमारा डिले बोल रहा है। तो इसको कैसे करना है आगे मैं बताऊँगा, अभी आप बनाएंगे तो नहीं होगा, ये बाद में जाके सेट होता है। कहाँ से रिपीट स्विच आप यहाँ पे लेयर टू में सिक्स कॉलम के जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया उसे लगा के ऑन कर दीजिए। अब थर्ड लेयर में दोस्तों हम आते हैं। थर्ड लेयर दोस्तों यहाँ पर मैंने खाली छोड़ा हुआ है सिक्स कॉलम में, तो इसको इसी तरीके से रखिए। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सेवेंथ कॉलम में, सेवेंथ कॉलम और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट कॉलम, सेवेंथ कॉलम और यहाँ फर्स्ट लेयर की बात हम कर रहे हैं। मैंने किक लगा रखी है, एकॉस्टिक किक 1 के नाम से है, 0002 नंबर पे है ये। 63 इसका मैंने वॉल्यूम किया हुआ है और बाकी सारी सेटिंग एज इट इज़ है, मैंने छेड़ा नहीं है। आइए यहाँ पे हम लोग इसके सेकंड लेयर में बात कर लेते हैं। कबासा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है 0939 और 50 इसका ट्रिक वॉल्यूम है और दोस्तों यहाँ पे मैंने रिपीट स्विच ऑन किया हुआ है, तो आप कर लीजिए यहाँ पे सेवेंथ कॉलम सेकंड लेयर और यहाँ पे रिपीट स्विच ऑन है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग थर्ड कॉलम में क्या लगाया है। थर्ड लेयर में दोस्तों इसका भी थर्ड लेयर हमारा खाली है, तो आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लास्ट लेयर में मैंने क्या क्या लगा रखा है। दोस्तों लास्ट लेयर में फर्स्ट और सेकंड लेयर में ही मेरा लगा हुआ है लास्ट कॉलम। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट लेयर है उसमें 1324 इंस्ट्रूमेंट लगा है घुंघरू, जिसका लेवल मैंने 40 किया हुआ है और प्लस 3 इसका क्रॉस ट्यून है। और दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा मैंने रिपीट स्विच ऑन किया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारा डिले यूज़ हुआ है। तो आइए इसके सेकंड कॉलम में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों सेकंड कॉलम में क्लोज हाई 830 लगाई हुई है मैंने, 0866 सेकंड लेयर लास्ट कॉलम। 40 इसका मैंने ट्रिक वॉल्यूम रखा है और प्लस 8 मैंने इसकी क्रॉस ट्यून करी हुई है, बाकी सब चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ है, कुछ भी रिपीट वगैरह ऑन नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पैच बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें हम लगा लेते हैं जहाँ जहाँ हमने रिपीट स्विच ऑन किया था वो कैसे काम करेगा। जब हम ये पैच बना के श्योर करके बाहर आ जाएंगे, इसको श्योर करके आप सेव कर दीजिए, फिर दोबारा से मेन्यू के अंदर जाइए, सिंपल सा है, यहाँ किट सेट आ रहा है, इस पर आप एक बार श्योर बटन दबाइए, पैड सेट लिख के आ जाएगा। दोस्तों पैड सेट के नीचे आपको आना है, डाउन बटन से ग्लोबल सेट में चले जाएंगे, ग्लोबल सेट में आप श्योर करेंगे, सिंपल सा है दोस्तों। सबसे नीचे आप देखेंगे लास्ट में दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पे आ रहा होगा रिपीट टाइम। दोस्तों रिपीट टाइम को आपको 10 कर देना है, जैसे ही आप रिपीट टाइम को 10 करेंगे दोबारा श्योर बटन दबा के आप यहाँ कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है और इसको सक्सेसफुली सेव कर देंगे। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखिए हमारे ये पैच बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मुझे लगता है अभी तक जितने भी पैड हम लोगों ने बनाए सबसे सिंपल तरीका इसी में है। तो अगर आपको ये समझ आ गया या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे दोबारा बताइए, मैं डिले का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए आगे आपको कौन से पैच चाहिए, बिल्कुल कोशिश करूँगा। बने रहिए हमारे।